हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ हरा भरा कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी बच्चे बड़ों सबको पसंद आने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हरा कबाब बनाने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म रखेंगे। अब पालक के पत्तों को इस पानी में डालेंगे। पालक को 3 से 4 बार पानी से धो लें, जिससे इसकी मिट्टी निकल जाएगी। इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे। पालक बॉईल हो गया है, अब इसे एकदम ठंडे पानी में डालेंगे। ने पानी में बर्फ डाला है, जिससे पानी बहुत ठंडा हो गया है। ऐसा करने से पालक का कलर चेंज नहीं होगा, पालक को एक्स्ट्रा कुक होने से रोकेगा। अब पालक में इस तरह पानी निकाल देंगे। इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे ग्राइंड करने में कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, यह हमें ध्यान रखना है। अब एक पैन में 2 छोटी चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच जीरा, इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे। चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें अदरक और लहसुन ना खाते हो तो ना डालें, सिर्फ हरी मिर्ची डाल दें। 2 मिनट तक इसे रोस्ट होने दें। लो फ्लेम पर रोस्ट करें। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे। पालक को इस तरह मिक्स कर लें। इसे 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर भुनना है। पालक भुन चुका है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे एक बाउल में निकाल दें। अब एक पैन गैस पर गरम रखेंगे। 3 से 4 टीस्पून बेसन डालें। बेसन को लो फ्लेम पर इस तरह मिक्स करते हुए रोस्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बेसन को लो फ्लेम पर रोस्ट होने में 5 मिनट लगे हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पालक ठंडा हो गया है, अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। चाहे तो इसमें बॉईल मैश करे हुए आलू भी डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से इस तरह मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों में ऑयल लगाकर के छोटे छोटे टिक्की साइज के बॉल बना देंगे। इसे अपनी पसंद के शेप भी दे सकते हैं। इसे एक नॉन स्टिक पैन में सेकें। कबाब की इस तरह दोनों साइड पर घी लगा दें। चाहे तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं। इसे हमें हाई फ्लेम पर सेकना है, क्योंकि कबाब अंदर से पका हुआ है। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। चाहे तो इसे शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जल्दी टेस्टी लेस ऑयली हरा भरा कबाब बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। इसे अपनी मनपसंद की चटनी के साथ सर्व करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।